हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम आज मैं आपको एल का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूं जिसमें मैं अभी तक जनरल इन्फॉर्मेशन और रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल कवर कर चुके थे अब मैं स्टार्ट कर रही हूं रिप्रोडक्शन ठीक है तो फटाफट से शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन जो एल में है वो तीन तरीके के होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये इसमें ये मोस्ट कॉमन मेथड है इन लोगों में और इसमें कई टाइप्स हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन सेल डिवीजन हॉर्मोगिया ट्यूबर्स एंड बडिंग तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये मोस्ट कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन में इसमें जो इनकी थैलस जैसी बॉडी है जैसे कि मैंने बताया था कि रूट्स स्टेम और लीफ में जो है वो डिवाइडेड नहीं होती है बॉडी एक थैलस जैसे स्ट्रक्चर होता है इसके पीसेस कट जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और हर एक पीस जो है वो गिव राइज टू न्यू प्लांट जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा एंड जिग्नेमा सेल डिवीजन या फिशन भी इसका सिंपलेस्ट मेथड है प्रोपोगेशन uh, का कॉमनली फाउंड किसमें यूनीलुर एल्गी में जा, बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसमें जैसे कि डेस्मिड्स हैं डायटम्स हैं इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें यूनी सेलुर एल्गर सेल जो है मैटोटिकली डिवाइड होती है दो डॉटर सेल में और हर एक डॉटर सेल गोज टू तो, ग्रोज इन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हार्मोगोनिया हार्मोगोनिया जो है ये कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी का इसमें जो ट्राइकोम होता है वो ब्रेक हो जाता है मोटाइल सेगमेंट जिन्हें कहते हैं हार्मोगोनिया जैसे कि नोस्टॉक ऑसलेटे ऑसलेटोरिया ये ब्लू ग्रीन का कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है हारमोगोनिया ट्यूबस में आ जाते हैं जो ट्यूबर्स हैं इनमें जो राइजाइड्स होती हैं लोअर नोड्स ऑफ कारा जो होते हैं वो ट्यूबर्स बनाते हैं और इसमें जो ये जो ट्यूबर हैं जब ये डिटैच हो जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाते हैं जैसे कि क्लैडोफोरा बडिंग कुछ ऐसे अलगी होते हैं जिसमें बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है और इवेंचुअली इनकी बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से और न्यू प्लांट बना लेते हैं जैसे प्रोटोसिफोन ए सेक्शुअल रिपोडक्शन के मेथड में आ जाते हैं ये इसमें भी मैं बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि स्पोर्स हिप्नस्पोर्स टेट्रास्पोर्स एकाइनीड्स पाल्मेला स्टेज ऑटो स्पोर्स एक्सो स्पोर्स एंड एंडो स्पोर्स तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला हमारा है जू स्पोर है ये फेवरेबल कंडीशन में जो बाय सीलिएटेड यानी जिनमें दो सीलिया होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स ये टेट्रा सीलिएटेड कुछ वेराइटीज स्पीशीज में यूलोथ्रिक्स की टेट्रा सीलिएटेड भी होती है या मल्टी सीलिएटेड बहुत सारे सीलियां हैं जैसे यूडोगियम में है फॉर्म होते हैं और ऑन बस्टिंग मदर सेल जो है, जब बस्ट करता है तो ये सारे के सारे जू स्पोर्स उससे बाहर आ जाते हैं प्लेनोस्पोर्स में क्या होता है प्रोटोप्लांट जो है वो सेपरेट हो जाता है सेल बॉडी से और थिन वॉल और नॉन सीलिएटेड नॉन सीलिएटेड ध्यान रखेंगे ए प्लेनो स्पोर बना लेता है हर एक ए प्लेनो स्पोर जो है वो न्यू प्लांट को गिवराइज करता है नेसेसरी uh, कंडीशन आने मिलने पर जैसे क्लोरेला यूलेथ्रिक्स माइक्रोस्पोरा ये इसके जो है एग्जाम्पल है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिप्नोस्पोर्स हिप्नोस्पोर्स जो है जिसमें प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल सेल फ्रॉम द द द वॉल एंड कलेक्ट्स इन सेंटर टू फॉर्म नॉन मोटाइल एंड थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर इसमें भी प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल सेल से सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से अलग हो जाता है और सेंटर में कलेक्ट हो जाता है और नॉन मोटाइल थिक वॉल बनाता है हिप्नोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो न्यू प्लांट बन जाता है जैसे कि वो चेरिया डिप्लॉड प्लांट तो कुछ जो एलगी है उनकी डिप्लॉयड प्लांट जो है वो टेट्रसपोर बनाती है म्योसिस से और म्यूसिस प्रोसेस होता है और यह हेप्लॉड प्लांट को राइज टू हेप्लोड प्लांट जैसे पोलिसिफोनिया एकाइनिट एकाइनिट क्या होता है इन दिस प्रोसेस इंटायर सेल बिकम्स थिक पूरा का पूरा सेल जो है वो थिक हो जाता है टू फॉर्म एकट एंड इन फेवरेबल कंडीशन और ये जो एकट नेसेसरी कंडीशन आने पे न्यू प्लांट को गिव राइज करती है जैसे कि क्लेडोफोरा पालमेला स्टेट जो होती है वो ड्राई कंडीशन में जू स्पोर्स या एप्लेनो स्पोर गेट सरेंडेड बाय

ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आते हैं ऑटोस्पोर ये ऑटोस्पोर स्ट्रक्चर सिम, सिमिलर टू द पेरेंट सेल की तरह बिल्कुल होते हैं इन्हें रेस्टिंग स्पोर भी बोलते हैं एंड वी डेवलप डेवलपिंग टू न्यू प्लांट्स इन साइड द मदर सेल मदर सेल के अंदर ये न्यू प्लांट बनाते हैं जैसे कि क्लोरोकोकस कुछ में ये एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर जैसे कि बहुत सारे ब्लू ग्रीन एलगी हैं इसमें प्रोटोप्लास्ट जो है डिवाइड हो जाता है उनके एक्जोस्पोर एंडोस्पोर बोला जाता है एंडोस्पोरियनी सेल के अंदर एग्जिसपोरियानी प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल कम्स आउट थ्रू टर्मिनल पोर और कट स्पोर पोर ठीक है तो ये इसके एग्जाम्पल हैं अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके के हैं टाइप आइसोगेमसटाइप टाइप एंड टाइप, अगेमस टाइप, अगेमस टाइप. आइसो टाइप में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है इनकी दो स्ट्रेन होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन एंड फ्यूज टू फॉर्म जैगो बनाते हैं फिर आइसोगट मोटाइल भी हो सकता है जैसे कि आपका जू गैमेट्स बनता है क्लैमेडोमोनज डिबेरियनम में या यूलोथ्रिक्स में या नॉन मोटाइल हो सकते हैं जैसे ए प्लानोगेमेट इन्हें बोलते हैं स्पैरोगैरा के केस में एनाइसो गैमे टाइप फ्यूजन टेक्सप्ले बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से अलग अलग होते हैं कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके के गैमेट होते हैं मेल गैमेट इसमें स्मॉलर होता है एक्टिव होता है फीमेल गैमेट लार्जर और स्लगिश होता है क्लेमेडोमोनस ब्रेनी जो होता है और पेंडोरिना ये जो है एनाइजोगेमस टाइप है ओ टाइप में आ जाए ये मोस्ट एडवान टाइप है इसमें फ्यूजन जो है वो स्मॉल बाइसीलिएटेड या मल्टीसीटेड जो है एक्टिव मेल गैमेट विद लार्ज पेस्व फीमेल गैमेट और रिटेन विद इन दूगोट टली अप टू मेच्योरिटी ओडोगोनियम हो गया मौन, आ, को, को, हो गया ये इसका एग्जाम्पल हो गया और देख आप अगर ध्यान दें तो ये तीनों में आपको क्लोमेडोमोनस बन मौन रहा है तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आइसोगेमस टाइप में क्लोमेडोमोनस डिबेरिनम ठीक है और आपका है में क्लोमेडोमोनस बरूनी और इसमें ऊ टाइप में कमेडोमोनस कलम, कॉफिस फेरा ठीक है तो ये अलग अलग है ऑटोगेमी में दो गैमेट्स जो हैं सेम मदर सेल की, की फ्यूज़ होती हैं और जैगट बनाती हैं इन्हें डायटम्स के एग्जांपल में इस केस है क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी में आ जाते हैं जैसे एफी फ्रिज जो है नाइनटीन में इन्होंने इस क्लास को एज अ हाइस्ट ग्रेड एलगी जैसे फाइव में रखा इन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन के बेसिस में या प्रोडक्ट ऑफ एसिमुलेशन या सीलिएशन के बेसिस से और इन्होंने एलगी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया तो अब हम लोग आते हैं कि कितने टाइप के हैं जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्रिट्स थे उन्होंने इलेवन जो है क्लासेस में डिवाइड किया एलगी को क्लोरोफाइसी क्राइसोफाइसी क्रिप्टोफाइसी क्लोरोमोनिडे डिनेई और फियोफाइसी मिक्सोफाइसी सैनोफाइसी जेंथोफाइसी बेसिलेरियोफाइसी बैस, डाइनोफाइसी यूग्लिनोफाइसी एंड रोडोफाइसी ये क्लासिफिकेशन सबसे सिंपल एक्यूरेट और कन्वीनियंट और रिलायबल था जो फ्रिट्स का था तो अब हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स अलग अलग देखते हैं हम लोग मेन बेसिकली फोर जो हैं वो देखेंगे जैसे क्लोरोफाइसी जैसे ग्रीन एलगी भी बोला जाता है इसमें 360 सिक्सटी जेनर और 500 हंड्रेड स्पीशीज अभी तक पाई गई हैं इसके मेन कैरेक्टर्स कलरिंग पिगमेंट्स ऑफ दीज आर जस्ट लाइक हायर प्लांट की तरह हैं जैसे क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स इसके पिगमेंट्स जो है लोकलाइज होते हैं एक डेफिनेट प्लास्टिक में जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ध्यान रखेंगे ए बी जेंथोफिलेन कैरोटीन बिल्कुल भी हायर प्लांट की तरह ही होता है ग्रीन एल्गी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो फाउंड इन क्लोरोफाइस ही होता है डिफरेंट टाइप के मिलते हैं जैसे कप शेप्ड क्लोरोफिल मिलता है क्लेमेडोमोनस में और क्लोरेला में कॉलर शेप और गिर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है यूलोथ्रिक्स में स्पायरल शेप देखो इसी नाइम से ही रखा है स्पायरल स्पायरोग स्टार शेप या स्टिलेट जो है जिग्नेमा में मिलता है रेटिकुलेट या नेट लाइक जैसा यूडोगोनियम युडु, या क्लेडोफोरा में मिलता है फूड प्रोडक्ट और, इस और इसका जो रिजर्व फूड जो अपनी बॉडी में बनाते हैं वो स्टार्च या शुगर है वन और मोर प्रोटीनेशियस बॉडी जिसे पायरिनोइड बोलते हैं वो भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है जो कि स्टार्च को बनाती है फ्लैजेला जो है टू और फोर होते हैं या इक्वल लेंथ के होते हैं जिसे आइसोकोन भी बोला जाता है टाइप के हैं विप्लैश होते हैं एंड आर एट एट एंटीरियर एंड में होते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए क्लेमेडोमोनस यूलोथ्रिक्स स्पायरोगेरा क्लेडोफोरा जिग्नेमा यूडोगोनियम यू, कैप्सल्स इनकी डिस्टिंक्ट होती हैं अलग अलग होती हैं यूडोगेनिया में और वोल्वक्स की जो कॉलोनीज़ होती हैं, वो सब एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के सिफेलियरियस वैरिसेंस जो होते हैं ये रेड रस्ट ऑफ टी कॉस करते हैं पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है ये। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं बेस्लरियोफाइसी और डायटम्स इसका थैलस जो है वो डिप्लॉइड होता है क्रोमेटोफोर्स गोल्डन ब्राउन या येलो कलर के होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड डायटम्स क्योंकि ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन पिगमेंट जिसे डायटोमिन बोलते हैं दूसरे पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरफिल ए हो गया सी हो गया लेकिन क्लोरफिल बी नहीं होता ये ध्यान रखेंगे डायटम्स में बेस्लरियोफाइसी में क्लोरफिल बी नहीं होता है कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है इसके रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड प्रोटीन होते हैं जिसे वॉल्यूटीन टाइन भी बोलते हैं इसके बाद सेल वॉल जो है वो सिल sil सिल्कीफाइड होती है सिलिकॉन की जैसे होती है एंड कॉल जिसे फ्रस्ट्यूल बोला जाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग हार्म्स हार्ब्स ये देखते हैं ना जैसे सोप केस होता है ऊपर और नीचे का हिस्सा नीचे सोप रखने का और ऊपर उसका कवर वैसे ही एपिथिका एंड हाइपोथिका लुलर ये यूनिसेलुलर होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और मोटाइल स्टेज केवल में पाई जाती है और सिंगल टिन सेल एंड टर्मिनल फ्लैज इनमें होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिक टाइप ऑफ स्पोर्स इनमें होता है ध्यान रखेंगे जो रिजुविनेट सेल्स होती है ठीक है इट कैन गिव रेस टू न्यू प्लांट बॉडी तो ये डायटम्स कैसे होते हैं किस टाइप का स्पोर होता है ऑक्जो स्पोर्स इनमें पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं देखिए ऊपर वाले केस में भी हमने देखा था कि पायरिनोइड प्रेजेंट थे पिनुलेरिया Milosira, निर्डीचिया एंड नेविकूला ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं अब हम आ जाते हैं फ्यूफाइसी या है, ब्राउन एल्गी में ये जो फ्यूफाइसी है इसमें क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं येलोइ ब्राउन इन कलर टाइप के होते हैं जिनमें कि जेंथोफिल प्रेजेंट होता है वेंडेंस में ब्राउन कलर इनका होता है ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका ब्राउन कलर होता है क्लोरिफिल ए सी एंड कैरोटीन और जेंथोफिल देखिए बी भी यहाँ भी नहीं प्रेजेंट है ठीक है ब्राउन एल्गी में भी क्लोरिफिल बी नहीं है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स और रिजर्व फूड मटेरियल एल्कोहल फैट्स पोलिसक्राइड ये एग्जांपल जो बहुत जरूरी है मैनिंटॉल एंड लेमिनेरिन ये जो लेमिनेरिन एंड मैनिंटॉल है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं इनमें मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं पियर शेप के होते हैं बायफ्लेजलेटेड होते हैं इनके और फ्लैजला अनइक्वल लेंथ के होते हैं इंसर्टेड है, लेटरली जो है इंसर्ट होते हैं एक फ्लैजला जो है थोड़ा डायरेक्टेड ऊपर की तरफ होता है और एक जो और टिनसर टाइप थोड़ा लार्जर होता है और जो सेकंड दूसरा होता है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड होता है जो वी प्लश और इस्मर होता है पायरिनोइड इनमें भी प्रेजेंट होता है अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एलगी कप शेप ये कप शेप हो गया नंबर बी जो है वो गिर्डल शेप जैसे कि यूलिथ्रिक ये देखिए गिर्डल शेप का हो गया यूलिथ्रिक्स में नंबर सी जो है स्पायरल शेप ये स्पायरल शेप का हो गया इस तरीके से ठीक है नंबर स्पाइरोगैरा वगैरह में जो होता है फिर आपका आ गया डिस्क्वाइड शेप ये देखिए डिस्क्वाइड शेप हो गया देन नंबर ई इज सॉरी नंबर डी जो है स्टीलेट शेप हो गया स्टार शेप हो गया नंबर ई e, जो है वो डिस्कवाइड शेप हो गया डिस्क शेप ऐसे इलांगेटेड शेप में फिर गिर्डल शेप में जैसे स्टीगोकोलिनियम में होता है एंड रेटिकुलेट नेट जैसा हो गया ठीक है तो ये हो गया तो अराउंड द न्यूक्लियस देर आर प्रेजेंट अ नंबर ऑफ फ्यूकोस एंड वेसिकल प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के आसपास एक्सेप्ट थ्री मेंबर तीन मेंबर्स को छोड़ के कौन कौन से प्लूरोक्लेडिया बोडानेला एंड हैरीबेउडीलिया ये सारे के सारे मरीन होते हैं अब देख लेते हैं ब्राउन एलगी की एग्जाम्पल फ्यूको डिकोटा सार्गासम लेमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस एक्टोकार्पस ये जो है ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट रग्ड ऑफ द एलगी होते हैं ठीक है रोडोफाइसी में आ जाते हैं रेड एलगी ये मोस्ट शोई ऑफ सी सीवी इसमें होता है कल्प जो है ना प्रीडोमिनेंटली मरीन होते हैं इनमें ज्यादा अधिकतर वेराइटी मरीन होती हैं इनका कलर रेड क्यों होता है इनका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फैको इराथ्रीन और ब्लू पिगमेंट भी इनमें होता है जो कि फाइकोसाइन होता है किसमें क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स में ये पिगमेंट्स क्या करते हैं ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूटिलाइज करते हैं ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम फोर एट्टी टू फाइव ट्वेंट ट्वेंटी एमएम जो कि क्लोरोफिल से एबजॉर्व नहीं हो पा रही थी तो यानी ये एक्स्ट्रा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं यही कारण है कि रेड एलगी आपको बहुत डीप सी uh, के अंदर भी मिल जाएगा टू ग्रो ग्रेटर डेफ देन अदर प्लांट अप टू थ्री फीट बिलो वॉटर में भी आपको रेड एलगी मिल जाएगा इन एडिशन क्लोरोफिल ए डी इसमें होता है आर प्रेजेंट होते हैं फर्दर कलर ऑफ रेड जो है चेंजेस विद द डेप्थ ऑफ एंड दिस इस को गोडिकोव उनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था उसकी वजह से गोडिकोव इफेक्ट बोला जाता है रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स में आ जाए रिजर्व फूड प्रोडक्ट इनका पॉलीसेक्राइट है मेन एग्जांपल है फ्लोरिडिन फ्लोरिडिन स्टार्स जो है वो किसका है रेड एल्गी का विच स्टेस रेड विद आयोडीन सोल्यूशन ठीक है रेड कलर का आयोडीन सोल्यूशन डालो तो ये रेड कलर का हो जाता है एंड ऑल्सो सोल्यूबल शुगर फ्लोरोसाइड शुगर होती है फ्लोरो fluor फ्लोरिडोसाइड और स्टार्च होता है फ्लोरिडिन स्टार्च इसमें फ्लेजिला नहीं होता है और इसमें डेस्मो प्लाज्मो डेस्माटा होते पिट कनेक्शन होते दो सेल्स के बीच में जैसे कि को स्पर्मम की बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फ्रेश वाटर रेड एलगी, विच इज ये को स्पर्मम जो है एक फ्रेश वाटर रेड एलगी है जबकि अधिकतर ये मरीन होते हैं विच इज नॉट रेड जनरली रेड नहीं है जनरली ब्लूश और ऑलिव ग्रीन कलर का होता है पॉलिसिफोनिया पॉफेरा एंड रोडाइमिनिया और जेलिडियम जेलिडियम तो अगर अगर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है मिक्सोफाइसी में आ जाते हैं या साइनोफाइसी भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं पहले इसे बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया था लेकिन बाद में इसे एल्गी की कैटेगरी में रख दिया गया द पिगमेंट्स आर नॉट लोकलाइज इन डेफिनेट क्रोमेटिन फोर्स में नहीं लोकलाइज होते हैं जबकि पेरिफेरल रीजन ऑफ द प्रोटोप्लाज में क्रोमोप्लाज में प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन कलर जो है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरेथिन इन सब की वजह से फाइकोबिलिन एंड फाइकोसाइनिन की वजह से होता है दूसरे जो पिगमेंट इनमें होते हैं क्लोरोफिल ए कैरोटीन एंड यूनिक यूनिकोफिल जिसको कि मिक्सोजेंथिन म्यूकोजेंथोफिल यानी कि देखा जाए तो क्लोरोफिल बी केवल क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट था बाकी सब में क्लोरोफिल बी नहीं प्रेजेंट है रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च होता है सब्सटेंस साइनोफाइसिन प्रेजेंट होता है फ्लैजला इसमें भी नहीं था एंड रेड एलगी में भी नहीं था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली इसमें एबसेंट होता है ध्यान देंगे ब्लू ग्रीन एलगी है नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इनसीपियन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक है ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस जिसे की न्यूकोपेप्टाइड बोला जाता है जो कहीं और नहीं मिलेगी सिर्फ आपको बैक्टीरिया में ही मिलेगी इसीलिए इसको बैक्टीरिया में रख दिया गया था मेनी फिलेमेंटिस फॉर्म सम स्पेशलाइज सेल एंडस्प्यूटेड नेचर कॉल हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेंटर सेल्स होती है जिनमें की नाइट्रोजेज जो आपकी एनजाइन प्रेजेंट होती है जो की नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करती है एग्जाम्पल इसके हैं ऑस्लिटोरिया नोस्टोक एनेबेना क्रोकोकोकसोको कोकोस एंड मैक्रोसिस्टिस सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी ठीक है रेड कलर ऑफ रेड सी के लिए इंपॉर्टेंट है मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी शो एडेप्टेबिलिटी ये साइनोफाइसी जो है एडेप्टेबिलिटी शो करते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस जिलेटीन या की प्रेजेंट की वजह से कॉम्पैक्टनेस ऑफ प्रोटीन की वजह से जो इनके प्रोटोप्लास्ट में है कुछ कॉमन एग्जाम्पल कर लेते हैं स्पैरोगैरा जो है क्लोरोफाइसी uh, फैमिली का है ठीक है क्लोरोफाइसी का ग्रुप का है और इसमें इसको पॉन्ड पॉन्डिसकम या वाटर सिल्क भी बोला जाता है पॉन्ड सिल्क भी बोला जाता है पॉन्ड में प्रेजेंट होता है ये कारा जो है वो क्लोरोफाइसी का ही कारा है इसे स्टोन इस वार्ड भी बोला जाता है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं कारा के हाइड्रोडिक्टियोन क्लोरोफाइसी भी बोला जाता है इस ये नेट इसे कहा जाता है सार्गासम फ्योफाइसी ब्राउन एलगी का है गल्फ बीट बोला जाता है इसे बेट्रेको स्पॉर्न रोडोफाइसी का है फ्रॉक्स स्पॉन है ये फ्रेश वाटर रेड एलगी है कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये आयरिस मॉस है ठीक है फिर ब्राउन एलगी में आ जाते हैं ब्राउन एलगी में कल्प होते हैं ठीक है बहुत लंबे से होते हैं ये एंड नॉक्टिक सी घोस्ट इसे बोलते हैं शो लाइट ग्लोज इन नाइट ड्यू टू द बायोल्यूमिनेशन इसमें प्रॉपर्टी होती है डायटम्स मेंबर्स ऑफ बेस्लिरो फाइसी जो होते हैं जिन्हें गोल्डन एलगी ज्वेल्स ऑफ सी बोला जाता है ठीक है लेमिनेरिया फ्यू फाइस गोल्डन ब्राउन कलर की वजह से लेमिनेरिया फ्यूफाइसी का है जिसे डेविल्स एप्रिन बोला जाता है एंड पोस्टीसिया फ्यूफाइसी का जिसे सी बोला जाता है अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी में तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस भी देखेंगे और इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखेंगे तो एलगी को फूड की तरह कोस्टल कंट्रीज में यूज किया जाता है जैसे चाइना हो गया जापान हो गया ये जो है लॉन्ग बींग यूजिंग सी वीड सर्टन को खाते हैं ये लोग अदर एलगी एज अ सोर्स ऑफ फूड जैसे पॉर्फायरा हो गया उल्वा हो गया एलेरिया हो गया कोलरा हो गया क्लोरेला हो गया रोडोमाइनिया हो गया नोस्टोक हो गया क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ विटामिन होती हैं जैसे ए सी डी ई एबेंडेंट होती है, है। इसलिए इन्हें खाया जाता है कोस्टल कंट्रीज में पॉर्फायरा टिनेरिया रेड एलगी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल जो है सीवीड जापान का है कौन सा पॉर्फायरा टिनेरा ठीक है ये एमनोरी या नोरी ब्रेड के नाम से जाना जाता है इसमें थर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट प्रोटीन होती है फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है विटामिन बी ए बी सी और नाइसिन तो होता ही है एलेरिया उल्वा और सारगासम लेमिनेरिया भी सैलेड की तरह यूज किया जाता है उल्वा जो है यूरोप में सी लेट्यूस की तरह यूज किया जाता है रोडोमिया पालमाटा जो है च्यू किया जाता है टोबैको की तरह इन स्कॉटलैंड और नॉस्टॉक कॉम्यून ये कॉमन इज फूड यूज इन चाइना में यूज किया जाता है नॉस्टॉक नॉस्टॉक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है क्लोरेला जो है वो क्लोरेला आपको यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो की रिच इन प्रोटीन लिपिड एंड विटामिन है ऑल्सो ग्रो मोर क्विकली देन परफेरा से जल्दी क्विकली ग्रो हो जाता है तो साइंटिस्ट इसे रिसर्च के लिए यूज करते हैं एंड ऑप्टेन फूड फ्रॉम इट न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी जो है मिक्सचर ऑफ सोयाबीन और स्पिनिज की मिलाकर न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी इसलिए इसे बहुत कॉमनली यूज किया जाता है साइंटिस्ट यूज करते हैं स्पायरिना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन टॉक्सिक ब्लू ग्रीन एलगी है साइनोबैक्टीरियम है जो कि बहुत ही रिच होता है प्रोटीन में बी कॉम्प्लेक्स में और मिनरल्स में इसे टैंक में कल्टीवेट किया जाता है और किया जा सकता है और ट्रेडिशनल फूड की तरह कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में यूज किया जाता है प्रोटीन रिच एनिमल फीड भी है ये जानवरों को भी दिया जाता है नॉडेज बिस्किट आते हैं जो कि फोर्टिफाइड पाउडर विद स्पायरिना और ये बहुत ही पॉपुलर है इस समय एल्गी एसफॉर्डा सार्गासम और मैक्रोसिस्टिस जो है लार्जेस्ट एल्गा है और ये आपका मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट एलगा है यूज फॉर द फूड फॉर मरीन एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स जो है यूज किया यूज़ करते हैं फ़ूड बिसाइड एस्कोफाइलम फ्यूकस, लेमिनेरिया फॉर प्रोसेस्ड फॉर्म कैटल फीड की तरह यूज किया जाता है चाइना में सार्गसम जो है ये फोर्डर की तरह यूज करते हैं एंड रोडोमीनिया जो है फ्रांस में यूज किया जाता है एज अ फोर्डर एलगी में आ जाए एलगी इन इंडस्ट्रीज में आ जाए यूजफुल सोर्सेज ऑफ मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं इनसे जैसे अगर अगर ये जेली लाइक -like सब्सटेंस है अगर अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉलिसक्ट्राइड है फाइकोकोलाइड होता है ये जो है वाटर सर्टेन स्पीशीज ऑफ रेड एलगी बिलोंगिंग टू जेलीडियम ग्रेसिलेरिया गिगेटीमा एंड सम अदर जेनरा ये जो है इसे स्टोर कर सकते हैं हम लोग इन सेल सेलबॉल अलोंग विथ सेल्यूलोज और ये जेल जैसा होता है इसमें गैलेक्टोज और सल्फेट होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 90 टू 100 डिग्री फेरन होता है और लो टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं इसे कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है इट इज यूज एज एन कल्चर मीडियम फॉर एलगी फंजाई बैक्टीरिया एंड टिश्यूज एंड स्टेबिलाईजर और इमल्सिफायर इन फूड में यूज किया जाता है कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है लेदर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं लेग्जेटिव और प्रोलेब्स स्टमक में यूज करते हैं अगर जो है कंसिस्ट मिक्सर मिक्सचर ऑफ अगरोज एंड एग्रोपैक्टिंग अगर जो है वो उसमें अगरोज और एग्रोपैक्टिंग का मिक्सचर होता है अगरोज जो है प्री होता है कंपोनेंट ऑफ अगर है ये लीनियर पॉलीमर है और इसकी रिपीटिंग यूनिट मोनोमर यूनिट जो है एग्रोबायोज हैं एग्रोज को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज करते हैं जो कैरेगिनिन है और कैरेगिन है ये दोनों की दोनों जो है अगर की तरह हैं और ये इसमें भी जो है सेलवॉल पॉलीसेक्राइड स्टेरीफाइड भी सल्फेट सेलवॉल में मिलते हैं और इसमें पॉलीसेक्राइड और सल्फेट होता है ये जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉन्ड्रस किसपस से और इसे फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया कंपनीज यूज़ करती हैं मल्सिफायर टेक्सटाइल लेदर कॉस्मेटिक एंड ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ इन्हें यूज़ करती हैं एल्गिनेट्स जो हैं वो सॉल्ट ऑफ एल्गेनिक एसिड हैं, फाइकोकोलाइड्स हैं फाउंड इन सेलवल ऑफ फ्योफाइसी ब्राउन एल्गी की सेल्वोल में मिलते हैं फ्यूकर्स लेमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस एंड लेसोनिया हो गया ठीक है सिस्टोरिया हो गया फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स बनाया जाता है इससे एज वेल एस प्लास्टिक के आर्टिकल्स वगैरह प्रिपेयर फ्रॉम एल्गिनेट्स एल्गिनिक एसिड जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करने में बहुत हेल्प करता है इसे गिल्स की तरह इंटरनल ऑपरेशन में ब्लड को रोकने के लिए लगाया जाता है एंड ऑल्सो नोन एज जेल यूज एज जेलिंग एजेंट इन कन्फेक्शनरी और डेंटल क्रीम पाउडर पेंट्स एंड आइसक्रीम में इन्हें यूज करते हैं डायटोमाइट ये जो है इट इज अ रॉक लाइक डिपॉजिट फॉर्म फ्रॉम सिलिसियस फ्रस्ट्यू सेल वॉल एंड पास डायटम डायटमिशियज अर्थ जो है सी में डायटम्स इकट्ठे होते रहते होते रहते हैं डायटमिशियज अर्थ बन जाती है ये वाइट वाइटिश कलर की पोरस इन्सॉल्यूबल होते हैं इसलिए फिल्टर की तरह ऑयल वगैरह को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है फायर प्रूफ होते हैं और हाई है टेम्परेचर फर्नेस इनसे बनाया जाता है रेफ्रिजरेटर इंसुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर साउंड प्रूफ रूम हो गया पैकिंग कोरोसिव केमिकल्स केमिकल से रिएक्ट नहीं करते इसलिए यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट डायनामाइट है और सम टूथ पाउडर ऑटोमोबाइल्स एंड सिल्वर पॉलिश डाइटामाइट से यूज किया बनाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है सेल वॉल ऑफ डायटम्स के में प्रेजेंट होती है जो कि बीच ग्लास फॉर्म करती है पॉलीमराइजेशन के बाद

उनको यूज नॉस्टोक एनेबेना को यूज किया जाता है ये क्या करते हैं एटमोस्फिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ठीक है तो जो कि हेर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज ये करते हैं है। डॉक्टर भी बता चुकी हूँ उन्होंने ब्लू ग्रीन एलगी को यूज किया जा सकता है उन्होंने क्लेम किया सेलाइन और वेस्ट लैंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में उसको यूज करके दिखाया सीवीड जो है रिच इन पोटेशियम फॉस्फोरस ट्रेज एलिमेंट एंड अदर ग्रोथ सब्सटेंसेज आर यूज एज फर्टिलाइजर्स बाय कोस्टल पीपल जैसे फ्यूकस हो गया लिथोफाइलम हो गया या लाइकोफाइलम हो गया सीवेज डिस्पोजल डिस्पोजल में भी यूज करते हैं सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन टू मिनरल कंपोनेंट। सच पॉन्ड्स सपोर्ट लग्जीरियन ग्रोथ ऑफ यूनीसेलुलर एलगी वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं जैसे क्लोरेला हो गया आपका क्लेमेडोमोनस हो गया ठीक है तो दीज हेल्प इन बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में ये हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं एलगी को बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है रिसेंट नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑन क्लोरेला यूनिसेलर ग्रीन एलगी जैसे एसिटेबुलेरिया हो गया वेलोनिया हो गया इसे रिसर्च में यूज़ किया जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं अब आताते हैं मेन थोड़ा सा और रह गया ये एलगी इन स्पेस ट्रेवल एलगी को स्पेस ट्रेवल में भी यूज़ किया जाता है स्पेसमैन जो है इन्हें चाहिए हो जाता है गेट्रिड ऑफ सीओ से इन्हें छुटकारा चाहिए होता है और बॉडी वेस्ट से तो और इन्हें चाहिए होता है कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन तो इसके लिए क्लोरेला और सीनिकोकस को यूज करते हैं यूजफुल फॉर दिस पर्पज क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और सीओ को एब्जॉर्ब करते हैं एलगी इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमिनल लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन मिनरल एनिमेंट प्रेजेंट इन द दैरोक्सिन हार्मोन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है ठीक है ये एक्सट्रैक्ट होता है कल्प से जो कि ब्राउन सीवीड से मेंबर ऑफ फेओफाइसी है जैसे लेमिनेरिया हो गया फ्यूक हो गया ठीक है सिमिलरली रेड एलगी जो होते हैं पॉलिसिफोनिया हो गया रोडोमिनिया हो गया ये ब्रोमीन के सोर्सेज होते हैं यानी ब्राउन एलगी जो आयोडीन के और ब्रोमीन का सोर्स है रेड एलगी हार्मफुल इंपॉर्टेंस में आ जाए वाटर ब्लूम क्रिएट करते हैं कुछ ब्लू ग्रीन और ग्रीन एलगी uh, ऐसे होते हैं जो कि सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज में बहुत तेजी से फैल जाते हैं में रेनी सीजन में और कॉजे वाटर ब्लूम ऊपर ऊपर पूरा छा जाते हैं तो जिससे क्या होता है डेथ ऑफ दीचे के जो होते हैं वो सारे के सारे वो ऑक्सीजन और बी बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से नीचे का जो है इन्वायरमेंट जो है दूसरे जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए सुटेबल नहीं रह, जा, रह जाता बैड स्मेल फैलाते हैं डेनोफ्लेजरेट जैसे डेनोफे सिक्रीट पॉइजन और टॉक्सिक सब्सटेंस कि सीक्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट एलगी कॉजस वाटर ब्लूम कौन-कौन से हैं माइक्रोसिस्टिस है क्रोको क्रुकोकस है ओस्लिटोरिया croco, है, है ये डिप्लीट करते हैं वाटर की ऑक्सीजन और हेंस जो फिश वगैरह है वो किल हो जाती है मरीन एलगी ग्रोइंग इन अवंडेंट रिटार्ड द स्पीड ऑफ द शिप फंस जाते हैं फिश, फिश शिप में और उनको आगे चलने नहीं देते उनकी स्पीड को कम कर देते हैं डिजीजेस भी हैं पैरासिटिक एलगी और जैसे सिफेलियरस वायरिसेंस जो हैं ग्रीन एलगी हैं कॉज रेड रस डी टी और कॉफी और मैग्नोलिया ये भी इम्पॉर्टेंट है तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो जो है दूंगी जो कि इसमें कम से कम थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड क्वेश्चन होंगे ठीक है तो अभी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं